तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने छोटे भाई नोमान को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, बिकॉज उसने मुझे ये मिशन करने में काफी मदद की है और उसके बिना ये वीडियो नहीं बनती। मैं आज की जेनरेशन को देख के हैरान हूँ, क्योंकि आज के छोटे बच्चे भी फ्री फायर जैसे गेम्स आसानी से खेल लेते हैं। और एक हम थे जो अपने जमाने में रोड रैश और GTA सैन एंड्रियास को खेलकर अपने आप को प्रो समझते थे। अगर आपने मेरे छोटे भाई की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी वीडियो की लिंक डाल दी है, चेकआउट जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने अपने सारे टीम रॉकेट लीडर्स से बैटल लड़ ली है। तो अभी मैं जाता हूँ रिसर्च में। अभी यहाँ पे जैसा कि हम लोग को पहले दो टास्क बताते हैं, जोटो कलेक्शन चैलेंज, फिर उसके नीचे आता है जोटो सेलिब्रेशन इवेंट, जिसमें हम लोग को 15 शेडो पोकेमोन से जो मैंने आपको बताया वो हम लोग को करना पड़ता है। फिर उसके बाद में अचानक से ये वाला पूरा रिसर्च आ जाती है, जोटो सेलिब्रेशन इवेंट, जहाँ पर हम लोग को 3 टीम रॉकेट लीडर्स से लड़ना होता है, आर्लो, सीरा और क्लिफ के साथ। तो इन शॉर्ट अपने को इन शॉर्ट वो 30, मेरे ख्याल से अभी मैंने कैलकुलेट किया नहीं, मैथ्स में मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ नहीं, मतलब अपने को 30 टीम रॉकेट से लड़ा रहा है। फिर उसके बाद में अपने को क्लेम रिवॉर्ड देता जो ऑलरेडी अपने पास बहुत सारे रहते हैं। तो अभी जोटो सेलिब्रेशन इवेंट में यहाँ पे मिलता है क्लेम रिवॉर्ड में पोकेमोन अपीयर्स। यार अगर कोई लेजेंडरी नहीं हुआ, वैसे मुझे तो पता है कि कौन सा पोकेमोन आने वाला है, कौन सा पोकेमोन अंदर रहेगा। जैसा कि मैंने रेड्स की डेट्स के बारे में मैंने अपनी वीडियो मैंने बताया था कि फरवरी में कौन सी रेड्स में कौन से पोकेमोन्स आने वाले हैं, कौन से लेजेंडरीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके एक बार देख लो। तो सिमिलरली इसका भी मुझे पता है, तो मैं कर देता हूँ क्लेम रिवॉर्ड। एक मिनट, मेरा फोन अटक गया क्या? एक मिनट भाई, अच्छा यहाँ पे, सॉरी मैं डर गया। अभी मैं करता हूँ क्लेम रिवॉर्ड। ओहो, 1600 1626, ओहो मिला, वो भी फ्री में। सीरियसली यार, इसका मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। अरे यार मेरा बॉल अटक गया यार। ओके, तो दोस्तों मेरा बॉल अटक गया, कोई बात नहीं, बॉल को नीचे लेके आते हैं अभी अपन। ओके, अरे यार एस्केप हो गया यार, बट आई विल नॉट गिव हर अ कैंडी। सच में यार बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोकेमोन आपको दे दिया है, आपने इतना मेहनत की तो आपको दे दिया है, बोला रख लो, ये कभी उड़ेगा नहीं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों ये फ्लू क्यों नहीं होता है, इसलिए क्योंकि एंटाई एक लेजेंडरी पोकेमोन है और एंटाई की हो ने मदद की थी। अभी मैं उसका बार बार आपको इतना लॉन्ग स्टोरी दूंगा नहीं, आप लोगों को सबको पता है। तो फाइनली हो इज कॉट। तो फाइनली बॉल पोकेमोन कॉट, 100 XP, एक्सेलेंट थ्रो, 1000 XP, कर्व बॉल, 20 XP टोटल XP, 1120 XP। मैं करता हूँ ओके ओके। तो फाइनली दोस्तों पोकेमोन गो में आप लोग अभी बता रहा हूँ, पोकेमोन गो इतना तो आप लोग के लिए करता ही है कि यार बंदा इतना अगर मेहनत कर रहा है तो उसको पोकेमोन गो सामने से उसको लेजेंडरीज दे देता है। जैसा कि अपने को लेजेंडरी में रिक्वाजा फ्री में मिला था यही जनवरी के अंदर, आप लोगों को बस ग्रूडॉन और उसको कंप्लीट करना था। तो एनीवेज दोस्तों, ये वाला सच में बहुत ही लंबा टास्क था, 15 टीम रॉकेट से लड़ते लड़ते मेरे कितने रिवाइव ख़त्म हो गए, कितना सुपर पोशन, सुपर मैक्स, ये वो मेरा ख़त्म हो गया सच में यार। एनीवेज दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, बिकॉज सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, जैसा ही हम लोग के 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली मार्च में ट्रेडिंग चालू कर दूंगा। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे मेरा भी मुंह दुख रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।